इस चैनल पर उपस्थित सभी विद्वान सब्सक्राइबर बंधु एवं प्यारे श्रोतागण, आप सभी लोगों का एक बार इस चैनल पर फिर से स्वागत एवं अभिनंदन है। श्रवण कुमार के माता पिता पूर्व जन्म में कौन थे और उनको किस श्राप से अंधा होना पड़ा और श्रवण कुमार की पत्नी पूर्व जन्म में कौन थी, ये सारा प्रसंग आप सुनेंगे इस चैनल के माध्यम। प्यारे भक्त गणों, आप लोगों से सभी ने निवेदन है कि आप लोग इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो छोटी सी घंटी दिख रही है इसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर दें, ताकि जो भी नया वीडियो बनाऊं तो आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले दिखाई दे। चलिए, आप लोगों का कीमती समय नहीं लेते हुए इस कथा को शुरू करते हैं। एक समय की बात, एक तालाब था जो सूख गया था। बिना जल के जो उस तालाब में जीव जंतु थे, वे जीव बिना जल के व्याकुलता से मर रहे। सारे जीव जंतु भगवान से प्रार्थना कर रहे थे पानी के लिए। एक कछुआ थोड़े से कीचड़ में पड़ा भगवान से जल के लिए प्रार्थना कर रहा। तभी वहाँ दो हंस हंसनी का जोड़ा आ गए। वे दोनों बहुत भूखे थे। दोनों तालाब के किनारे आकर रुके। वे दोनों पक्षी भूख से व्याकुल थे और उन दोनों ने कछुए के नेत्र को मोती समझकर चुन लिया। उन दोनों ने धोखे से कछुए के दोनों नेत्रों को खा लिया। कछुआ नेत्रहीन हो गया, आंखों से रक्त बह रहा। कछुआ तड़पते हुए बोला, अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा। मेरे ऊपर एक चील चक्कर लगा रही थी, इसलिए मैं इसी कीचड़ में छुपा हुआ। उसी समय उसके ऊपर एक चील उड़ रही कि जैसे हंस हंसनी यहाँ से जाएं, उसी समय मैं कछुए का शिकार कर लूंगा। कछुए को तड़पते हुए देखकर हंस हंसनी बहुत दुखी हुई और बोले, भैया भूल हो गई हमसे। अगर हम जानते कि यह आपके नेत्र हैं, तो कदापि हम ऐसी गलती न। हे मित्र, हे भ्राता, आप धीरज रखिए, आपको एक उपाय बताता हूँ। उन दोनों हंस हंसनी ने एक लकड़ी लिया और उस लकड़ी को कछुए को देकर कहा कि आप अपने मुख में इस लकड़ी को दबा लीजिए और मैं आपको आकाश मार्ग से उड़ते हुए ले चल के एक समुद्र में छोड़ दूंगा, जिसमें आपके ऊपर से चील का खतरा भी खत्म हो जाएगा और आप जो पानी के लिए प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे उसका भी निवारण हो जाएगा और आप जीवित बच जाएंगे। इस तरह से उन दोनों हंस हंसनी ने लकड़ी देकर उनको उनके मुख में और फिर लेकर उड़े और भगवान की कृपा से, उनकी माया से एक जंगल को पार करते हुए उस जंगल में आग लग गई। आग की लपटें इतने ऊंचे उड़ रही थीं कि आकाश को छू रही। ज्यादा ऊंचे उड़ने के बावजूद भी वह लपट कछुए को लग रही। कछुआ उस अग्नि की ज्वाला को बर्दाश्त नहीं कर सका और उसके मुख से लकड़ी छूट गई और कछुआ उसी आग में जलकर भस्म हो। पीछे पीछे चील उड़ रही थी। चील सोच रही थी, कहीं तो छोड़ेंगे तब मैं इसका शिकार कर, और बहुत क्रोध में चील बोली कि यह मेरा शिकार था, तुमने मुझे भूख प्यास से तड़पते हुए मेरे शिकार को ले जाकर यहाँ लाकर मेरा शिकार छीना है और मैं भी आगे चलकर तुम्हारे साथ ऐसा ही कुछ करूंगी। इस तरह वो चील भी उस आग की लपट को बर्दाश्त नहीं कर सकी और वो भी उसी आग में जलकर भस्म, और उसने कह दिया कि अगले जन्म में मैं इसका बदला जरूर। और जब चील गिर गई, ये दृश्य को देखकर वे हंस हंसनी घबरा गए और वे दोनों भी आग में गिर, और जब उसी आग में जलकर तीनों भस्म हो गए, फिर उन सबको दोबारा जन्म। मनु वंश में हंस का जन्म हुआ, जिसका नाम उद्धोलक ऋषि रखा गया। और इधर हंसनी रघुकुल में रानी इंदुमती के गर्भ से राजा अज के घर में जन्म ली
और एक पुत्री के रूप में उसने जन्म लिया और उसका नाम चंद्रकला रखा। और वह चील भी एक भील के घर में जन्मी। और जो पुराणों में लिखा हुआ साक्ष्य मिलता है उसका नाम विद्या देवी रखा गया। दोस्तों, इधर रघुकुल में चंद्रकला जब बड़ी हुई तो रहस्यपूर्ण रूप से उद्धोलक ऋषि के साथ उसका विवाह कर दिया। चंद्रकला के गर्भ से नासकेतु का जन्म हुआ। एक दिन चंद्रकला और उद्धोलक दिन में ही अनैतिक का नासकेतु उसी समय घर में आ गए और उस समय उद्धोलक ऋषि और चंद्रकला ने किवाड़ी भी नहीं बंद कर रखी थी। जैसे ही माता पिता पर नासकेतु की नजर पड़ी, नासकेतु ने उन दोनों को श्राप और कहा कि बिना किवाड़ी के अंधों की तरह तुम दोनों अनैतिक कार्य कर रहे थे, इसलिए जाओ, तुम दोनों अंधे। और श्राप देकर नासकेतु जंगल में तपस्या करने चले गए। दोस्तों, ध्यान रहे, ये नासकेतु वही कछुआ थे जिसके दोनों नेत्र हंस हंसनी ने निकाल। श्रोतागणों, समय भी बीतता गया और उन दोनों अंधी और अंधों के यहाँ एक पुत्र की प्राप्ति हुई और उसका नाम श्रवण कुमार रखा। दोस्तों, जब श्रवण कुमार बड़ा हुआ तो दैव योग से श्रवण कुमार का विवाह उसी भील की कन्या विद्या देवी कर दी। विद्या देवी पूर्व जन्म में विद्या देवी एक सुंदर युवती थी और श्रवण कुमार की सेवा मन लगा और श्रवण कुमार बहुत प्यार करते थे विद्या देवी से। लेकिन एक दिन विद्या देवी एक ऐसा कार्य जिससे हृदय, वह एक कुम्हार के घर गई और उसने एक ऐसा बर्तन बनवाया कि बर्तन देखने में एक जैसा था लेकिन उसमें दो जगह अलग अलग कर दिया गया और उसी दो अलग अलग खानों में वह रोजाना भोजन बनाती थी। तो एक खाने को स्वादिष्ट भोजन और उसी बर्तन के दूसरे जगह में कड़वा और मिर्च भरा भोजन बनाती थी और रोज डेली वो श्रवण कुमार के माता पिता को देती थी और श्रवण कुमार को स्वादिष्ट भोजन। एक दिन श्रवण कुमार अचानक अपने घर आ गए। भोजन विद्या देवी परोस रही थी और गलती से थाली जो श्रवण कुमार को देना था वो उनके पिता उद्धोलक ऋषि के पास चली गई और जो उद्धोलक ऋषि को देना था वो श्रवण कुमार के पास चली आई। दोस्तों, समय की गति बहुत न्यारी हो। जब श्रवण कुमार भोजन कर रहे थे तो श्रवण कुमार उस भोजन को करते हुए उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं और मारे क्रोध के आंखें लाल हो गईं। फिर श्रवण कुमार ने अपने माता पिता से पूछा कि पिताजी, क्या ऐसे ही भोजन आप रोज खाते हैं? तो श्रवण कुमार के माता पिता बोले कि बेटा, ऐसे ही भोजन मुझे रोज मिलता है, मैं कभी आज जैसा स्वादिष्ट भोजन कभी नहीं। इससे श्रवण कुमार ने अपनी पत्नी को वहीं पर भला बुरा कहा और कहा, तुम मेरी नजर से हट जाओ, मैं अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने लेकर जा रहा हूँ और आज के बाद मैं तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाऊं। दोस्तों, इस तरह से श्रवण कुमार ने एक बांस का लकड़ी लाकर और दो पलड़े टाइप के कांवर बनाए, उसमें अपने माता पिता को बिठाया और लेकर कांवर चल दिए। इधर विद्या देवी पैरों में लिपट गई और क्षमा मांगने लगी। तब भी श्रवण कुमार ने उसकी बात को ध्यान नहीं दिया और उसको ठुकरा कर लेकर अपने माता पिता को यात्रा कराने के लिए चल दी। प्यारे श्रोतागण, उस समय जब श्रवण कुमार लेकर जा रहे थे तो उन्होंने कई तीर्थ यात्राएं कर और सारी यात्रा करने के बाद एक नंदन वन पड़ता है जो अयोध्या के समीप में। प्यारे भक्तगण, वही नंदन वन में श्रवण कुमार रुके और माता पिता उनके प्यास से व्याकुल। वहाँ पर सरयू नदी बह रही तो माता पिता ने आदेश किया कि पुत्र, जाकर पानी ले आओ। रात्रि का समय था, एक से किसानों को आकर खा लिया कर।
तो प्रजा ने दुखी होकर राजा दशरथ के यहाँ गुहार लगाई और कहा कि महाराज, जब आपकी प्रजा दुखी है और प्रजा ही सुख से नहीं रहेगी तो राजा किस काम का। तो उसी समय राजा दशरथ, आर्य सुमंत इनके साथ में दोनों लोग शिकार के साथ साथ शिकार करने के लिए अपनी प्रजा के साथ आए हुए थे कि उस शेर को मार। तो किसी किसान ने कहा कि पानी में गड़गड़ाहट की आवाज आ रही है, लग रहा है शेर पानी पी। और फिर श्रवण कुमार को राजा दशरथ ने प्रजा के कहने पर बाण चला दिया, जो शब्द भेदी बाण था। आकर वही शब्द भेदी बाण श्रवण कुमार के हृदय से लगा और वो मारे पीड़ा के कराहने लगे। जोर से आवाज आई तो दौड़ कर राजा दशरथ आए। उन्होंने कहा, क्या पाप कर दिया मैंने। फिर राजा दशरथ ने पूछा कि मुझे क्षमा कर दीजिए, आपको मैंने नहीं देखा और गलती से बाण चल गया। श्रवण कुमार ने कहा कि आपने गलती से बाण चलाया है, ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर कहा कि अगर आपने गलती की है तो जाइए, मैं तो मर रहा हूँ, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, मैं क्षमा करता हूँ। फिर राजा दशरथ ने पूछा कि आप किसके पुत्र हैं। तो उन्होंने कहा, मेरे पिता का नाम उद्धोलक ऋषि और मेरी माता का नाम चंद्रकला। तो राजा दशरथ ने कहा, हाय विधि का लेख, मैंने अपने ही बहन के पुत्र को मार दिया। जब श्रवण कुमार ने सुना कि राजा दशरथ रिश्ते में उनके मामा हैं, तो श्रवण कुमार दुख से व्याकुल थे। इसके बावजूद उन्होंने समझाया कि विधि का विधान था और ऐसा होना था, मामा जी आपने गलती किया, लेकिन चलिए मैं क्षमा कर देता हूँ, आप जाकर अपने उन्हीं जीजा और बहन को पानी पिला दीजिए, वो मेरे प्रिय माता पिता हैं और प्यास से व्याकुल हैं, कृपा कीजिए। ऐसा कहकर श्रवण कुमार ने वहीं अपने प्राण को त्याग दिया। महाराज दशरथ जल लेकर अब उन्हीं दोनों अंधी अंधा के पास गए और उनके पैरों की आहट को सुनकर वो समझ गए कि कोई आया है। तो श्रवण कुमार की बात को सुनकर उन्होंने कहा, पुत्र तुम पानी लाए हो तो लाकर पिला दो, इतने गुमसुम क्यों हो। राजा दशरथ सोच रहे थे कि मैं क्या कहूंगा, क्या कहूं क्या ना कहूं। लाकर पानी जैसे हाथ में देने लगे तो उद्धोलक ऋषि तपस्या करते थे तुरंत जान गए कि ये मेरे श्रवण कुमार का हाथ से पानी नहीं मिला है, ये कोई दूसरा है। फिर उद्धोलक ऋषि ने कहा, जल्दी से अपना नाम बताओ नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। महाराज दशरथ ने कहा, मैं आपका साला हूँ, रिश्ते में और मुझसे भूल हो गई। कहा, कौन। कहा, मैं राजा दशरथ अयोध्या का राजा हूँ और इस समय आप अयोध्या की भूमि पर हैं। उद्धोलक ऋषि ने कहा, मेरा एक ही पुत्र था और तुमने बहुत बड़ा अनैतिक कार्य किया है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि मैं दोनों अंधी अंधा जो मुझे कुछ नहीं दिखता है, मेरे दोनों आँखों के तारों को तुमने छीन लिया, क्योंकि श्रवण कुमार मेरे आँख थे, और जैसे मेरा पुत्र मरा है मैं बिना पुत्र के जीवित नहीं रह सकता, इसलिए मैं भी अपने प्राण को यहीं पर त्याग करता हूँ और मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस तरह से मैं पुत्र के वियोग में मर रहा हूँ ऐसे ही तुम भी पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे। राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी, उनके तीन रानियां। राजा दशरथ बहुत दुखी हुए और उन दोनों अंधी अंधों ने वहीं पर प्राण त्याग दिया। लेकिन राजा दशरथ को एक हर्ष भी हुआ कि जब मुझे संतान ही नहीं है, मुझे निःसंतान होने को ऐसा बताया गया है, गुरु ने भी बता दिया कि आप निःसंतान रहेंगे, फिर भी अगर उन्होंने पुत्र वियोग में कहा है तो पुत्र जरूर होगा। एक खुशी और एक दुख लेकर घर आए। प्यारे भक्तों, श्रोतागणों, यह थी कथा श्रवण कुमार की, कि रिश्ते में आखिर श्रवण कुमार के माता पिता किस तरह से राजा दशरथ के जीजा और बहन उनके दोनों और श्रवण कुमार उनके रिश्ते में भांजे लगते। प्यारे भक्तों, इस कथा को मैंने बहुत खोज किया है और आपके सामने प्रस्तुत किया है। आप लोगों को अगर यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, हो सकता है कुछ विद्वान यहाँ पर टिप्पणी करें कि आखिर इस तरह से कथा आपने कैसे सुनाया है। दोस्तों, आपको बता दें, तुलसीदास जी ने लिखा है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहां ही सुनहि बहु विधि सब संता।
कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। स्वयं तुलसीदास जी ने कह दिया है कि भगवान श्री राम की कथाओं का वर्णन हम किसी एक किताब से नहीं कर सकते, ये अनंत हैं और इनकी अलग अलग कथाएं भी मिलती हैं, जो स्वयं ऋषि मुनियों ने भी अलग अलग कथाओं को अलग अलग माध्यम से गाया है। आपने स्वयं रामायण में पढ़ा होगा जिसमें भगवान श्री राम के तीन जन्मों का, चार जन्मों का स्वयं तुलसीदास जी ने बालकांड में ही लिख दिया है। तो इसलिए अलग अलग कल्पों की कथाएं हैं दोस्तों, जो किसी एक किताब से नहीं ली गई हैं। इन कल्पों को कई तरह से बांटा गया है, जैसे कभी महर्षि कश्यप और अदिति के गर्भ से आगे चलकर वही अदिति राजा दशरथ और कौशल्या बनते हैं, तो कभी मन शत्रुपा कौशल्या और राजा दशरथ बनते हैं। तो ये सब कल्प भांति हैं और अलग अलग कल्पों की कथाएं हैं, जो किसी एक किताब के माध्यम से नहीं सुनाई जा सकती। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को कथा समझ में आ चुकी होगी। अब आपसे निवेदन है कि कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, तो हम समझ जाएंगे कि आज भी भगवान श्री राम के भक्त आज भी भगवान को मानने वाले हैं। लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।